स्टार्ट। मेरा नाम प्रियांशी दुबे है और जब मैं वहाँ पर इवेंट के लिए गई थी तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था और एक दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा, जबकि यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी 2 महीने पहले, मैं 11 जनवरी को यहाँ पर आई थी और यहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद मैं जब सर यहाँ करवाते थे तो मुझे सर का वर्कआउट इतना हार्ड लगता था, ऐसा लगता था कि वो तो शायद बाद में होगा, पहले ये झेल लेना पड़ेगा। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, धीरे धीरे करते करते जब मेरा स्टेमिना बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी भी हो जाता है। फिर जब वहाँ पे गए, यहाँ पे शॉर्ट पुट के लिए सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट किया, हाइट मेजरमेंट करने के बाद मैं जब रनिंग के लिए गए तो पता ही नहीं चला कब रनिंग हो गई। और जिस तरीके से ओपी सर ने, शिवा सर ने और आज सर ने मुझे कहा था कि स्टार्टिंग के 30 बहुत अच्छे से लगाने, स्टार्टिंग 30 बहुत एकदम एक्टिवनेस से लगाए थे, फिर उसके बाद मैं जस्ट पेस रनिंग की और जैसे ही वो मतलब मैंने अपना टारगेट बना लिया था, वहाँ पे जहाँ चेयर रखी थी वहाँ पे ये बता दिया था कि यहाँ से मुझे उठाना है, तो मुझे शिवा सर की बात याद आई कि ये मेरा फिनिशिंग नहीं है, मेरा फिनिशिंग कुछ अलग है। तो वहाँ से 3 मिनट 10 सेकंड में ऑलमोस्ट मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब शॉर्ट फुट पे गए तो यहाँ पे तो शायद सर 18-18, 19-19 फिट हमको 16 फिट बटा के बता करके फेंकवाते थे वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था ये तो खेल है, बस यहाँ से वहाँ फेंक नहीं गए थे और छोटा बच्चा फेंक देगा। बहुत ईजी थी, बहुत ईजी थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वन शॉट सब कुछ क्लियर होता गया। वहाँ पे मैम खड़े थे तो वो यही बोल रहे थे कि जो भी बच्चे ओपी ग्रुप से हैं ऑलमोस्ट मतलब 90-95% बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ईजी लगा, बहुत ऐसा लगा कि सर क्या बहुत भयंकर होता है, वहाँ कुछ नहीं होता।